अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जलिया सिम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल सेलेक्ट किए, जैसे कि मेरा जलिया सिम सेक्शन के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल हर्ब्स स्पाइस वगैरह के मैं बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टिंडे, जिसे उर्दू में मुख्तलिफ किस्म के नाम से जाना जाता है, चपटी टिंडा भी कहा जाता है, हार्ड टिंडा भी कहा जाता है, देसी टिंडा भी कहा जाता है। तो इसके मुख्तलिफ नाम है, इसे जो है इंग्लिश के अंदर इंडियन स्क्वाश, राउंड मेलन भी कहा जाता है, राउंड गॉर्ड भी कहा जाता है, और इंडिया बेबी पम्पकिन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट फैक्ट्स है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, विटामिन बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए बी सी डी, ये हर तरह के इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम इसके अंदर है, और इसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी सब्ज़ी है। तो इसकी जो इंफरादियत है, खसूसियत है, ये बहुत ठंडी सब्ज़ी होती है, ये आपके जिस्म को काम करती है। तो मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स भी बता देता हूँ। इसके जो बेनिफिट्स सबसे बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बेचैनी का शिकार हैं, जिन्हें जिस्म में आग लगी होती है, हाथ पाँव के तलवों में से जो है हीट निकलती रहती है, जलन होती है, और जिसम में अंगारे निकलते हैं, तो उसे अगर ये लोग ऐसे लोग जो गर्म मिजाज के हैं, इसे बना के इसकी सब्ज़ी खाएं या इसका जूस निकाल के पिए, या इसे एज आ उबाल के सैलड के तौर पे इसे यूज़ करें, तो उनकी जितनी भी गर्मी है जिसम ऐसे जिगर मसाने मैदे की और जिसम की तपश दूर कर देगा। तो टिंडे जो है बहुत ही ठंडे मिजाज रखते हैं, इसके ये ठंडे होते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें पेशाब जलकर आता है, जिन्हें तेजाबियत है मैदे के अंदर, अगर वो इसका जूस निकाल के पिएँ या इसे एज आ सब्ज़ी भी खाएं, तो उनका पेशाब की जलन दूर हो जाएगी, मैदे को सुकून हो जाएगा और अल्सर दूर हो जाएगा, जितने भी मैदे के अंदर आग लगी है वो भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, तो वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी खून की कमी दूर हो जाएगी। हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के बुखारों के अंदर भी ये बहुत अच्छा, बारी का बुखार या टाइफाइड या जितने भी इस किस्म के दूसरे बुखार हैं, टिंडे खाने से वो उसमें काफ़ी इफाका होता है, फ़र्क पड़ता है। और ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो इसे इस्तेमाल करते तो ब्लड प्रेशर जो है लो जो है लेवल पर आ जाता है, अगर लो भी है तो ओवर लोअर इसे मुनासिब मकदार में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसे इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाता है। और दोस्तों इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, आप इसे खाएं तो इसे खाने से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो आपका पेट भरा रहता है, क्योंकि फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, रेशा जिसे कहते हैं, तो वो आपके जिस्म के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको पेट भरा भरा आपका फील होगा। और ऐसे लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ जो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो है कम इस्तेमाल करें, जिनका मैदा कमज़ोर है या पेट ख़राब रहता है। दोस्तों इसकी जो एक और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, पेन रिड्यूस करता है, जिससे मैं उसे सोजिश है, और कहीं भी आपकी जो है पेन है तो इसे इस्तेमाल करने से वो आपकी पेन को आपको रिलीफ मिलता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्किन ख़राब है, जिन्हें क्रीम हाथ से बहुत निकलते हैं, दाग धब्बे बहुत निकलते हैं, ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए हैं, और जो है इनके जिस्म जो है झुर्रियों से भरपूर है, इसे खाने से एंटी एज आपकी इफेक्ट डालेगा, ये स्किन को चमकदार बनाएगा, स्ट्रेच करके रखेगा और रिंकल्स दूर करेगा, और जितनी भी आपकी बीमारियाँ कील मुहासे दाने वगैरह ये दूर कर देगा, खून को साफ कर देगा। दोस्तों जिनके किडनी ख़राब है, जिनकी किडनी कमज़ोर है, अगर वो टिंडे को इस्तेमाल करें तो उनकी जो है किडनी स्टोन्स ऐसा ख़त्म हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिन्हें खाना खाने के बाद वॉमिट फील होती है, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, बेसिकली उनके मैदे में ज़ख़म होता है जिसे अल्सर कहते हैं, तो अगर आप इसका जूस निकाल के इसे बहुत मुनासिब मकदार में 10 से 20 ग्राम के करीब डेली इसे इस्तेमाल करें, तो आपका अल्सर ठीक हो जाएगा और मैदे का जो ज़ख़म है वो ऐसा ख़त्म हो जाएगा, और तेजाबियत को ये दूर करती है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन एच बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बालों को चमकदार बनाता है, लंबा घना बनाता है, और गंजापन को भी ये दूर करता है। चले दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग इसे कम इस्तेमाल करें जिनका ब्लड प्रेशर लो है, ये ठंडी तबीयत के हैं, तो अब आते हैं कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। मैं आपको इसके मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ, जैसा कि ये बहुत ठंडी सब्ज़ी है,
ऐसे लोग जिनका जो है ठंडी तबीयत के हैं, मौतदिर मिजाज के हैं, वो इसे मुनासिब मकदार में हफ्ते में एक से दो से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। और ऐसे लोग जो प्रेगनेंसी में हैं, यानी जो हामला औरतें हैं, वो इसे भी इस्तेमाल ना करें तो उनके बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, उसकी नशोनुमा सुस्त हो सकती है। तो इस वजह से वो भी इसे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो खाना भी चाहती हैं तो इसे छोटे गोश्त में या किसी गोश्त के अंदर मिक्स करके खाएं, ताकि इसकी जो जो ठंडक है वो बैलेंस हो जाए, मुतदिल हो जाए। और ऐसे लोग जिनका मैदा बहुत शदीद ख़राब है, कमज़ोर है, कुछ भी खाते हैं तो उन्हें का जो है पेचस लग जाते हैं, पखाना उन्हें आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है फाइबर से जो एलर्जिक होते हैं, इस वजह से वो भी इस्तेमाल इसे मत करें। और ये ज़्यादा खाने से आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, और नोज़िया हो सकते हैं, मतली हो सकती है। तो इस वजह से वो भी इसे कम ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों, ये थे टिंडे के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने टिंडे के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताए पसंद आए होंगे। मैंने इस वीडियो को लाइक करना है, आपने कॉमेंट्स करना और शेयर करना। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करना। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है टिंडे के हवाले से तो आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं। और अगर किसी और किस्म के किसी फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, हर्ब्स के, स्पाइस के आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे क्यूरी करें, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मैं आपको उसकी जो है वीडियो बना के दे दूँगा अपने जोली अजीम सेक्शन के अंदर। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें कि जल्द हाफिज़, टेक केयर।